Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update. डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में LNMU BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स के सभी छात्रों के लिए पेपर 7 से 2014 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2016 के एग्जाम में पेपर 7 से जो भी क्वेश्चंस पूछी गई थी वो मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, उसकी ज़्यादा संभावना बनती है, तो उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बता दिया गया। आप चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से अप टू डेट वीडियो पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। और साथ में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल के बैकअप चैनल जिसपे मैं पर्सनली आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कैरी रहता है तो उसको मैं क्लियर करता हूँ, तो उस चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उस चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप जो डी कुमार प्रेजेंट्स SBN करके चैनल आएगा उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं कि 2014 के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्या था कि आंसर 6 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच ग्रुप। देखिए 2014 में जो एग्जाम हुई थी उसमें क्या था, 12 क्वेश्चंस तो आपके पूछे ही गए थे जिसमें आपका ग्रुप डिवाइड कर दिया गया था, अर्थात प्रत्येक ग्रुप से आपको जो है, जैसे देखिए यहाँ पे कहता है कि आंसर 6 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब 6 क्वेश्चंस का तो आपको जवाब देना है लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन से कम एक क्वेश्चंस का जवाब देना ही होगा। लेकिन अभी जो है ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, आपका जो तीन ग्रुप होता है स्टैटिक्स, डायनामिक्स और वैक्टर एनालिसिस, ये आपका तीन बुक पढ़ना होता है आपको, तो उस तीनों में से टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 4 आपका स्टैटिक्स से, 4 डायनामिक्स से और 4 वेक्टर एनालिसिस से। लेकिन अभी ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है या उसमें कोई भी कंडीशन नहीं है, आपको सभी ग्रुप से एक एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चाहें तो वेक्टर एनालिसिस का जो भी जो कि क्वेश्चन आसान होता है जिसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूं, आप उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। तो 4 क्वेश्चंस आएगा और प्रत्येक क्वेश्चंस 15 नंबर का होता है, तो इस तरह से आपका 60 नंबर का क्वेश्चन केवल वेक्टर एनालिसिस से ही बन जाएगा। बाकी आपके 90 नंबर का ये जो है एग्जाम ही होता है, 10 नंबर का वाइवा होता है इससे। तो जो अदर ग्रुप है जैसे कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन और इक्विलिब्रियम वाला आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो उससे भी आप जो है एक दो क्वेश्चन डील कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 6 के 6 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं वेक्टर एनालिसिस के बारे में अभी वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वेक्टर एनालिसिस का ही क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका 9 से लेकर 12 तक वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे दिया गया प्रूफ डैट वैक्टर ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस इक्वल्स टू 2 into यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ABC का, ABC जो कि 3 वेक्टर है, तो इसको प्रूफ करके दिखा दिया गया है। आप चैनल पे जाइए, उसमें वीडियो सेक्शन में इसका वीडियो मिल जाएगा। वैसे प्रयास करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँ। इसके बाद जो दूसरा आप देख रहे हैं प्रूफ डैट यहाँ पे BC.A×D, तो ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वैक्टर्स है, ये आपका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वैक्टर है और ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का है, तो इसका भी बराबर 0 मैंने प्रूफ कर दिया है। देखिए इन सभी का रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है प्रत्येक जो 2 साल पे रिपीट होती रहती है। जैसे 2016 में जो क्वेश्चन पूछी गई है वो 2014 की है, 2014 में जो क्वेश्चन पूछी गई है वो 2012 से ली गई होगी, उसी प्रकार जैसे 2020 में तो 2018 की क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो इस तरह से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे 2014 का क्वेश्चन 2020 में आने की संभावना है, तो इस तरह से आप इसे तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए। मैं आपको अच्छे तरीके से बताया हूँ कि किस प्रकार से इसको जो है आप प्रूफ करेंगे। अब देखिए एक आपको बता दूँ, जैसे नॉन एक ही क्वेश्चन हुआ जिसमें AB करके दिया है, तो आपका एक हुआ 7.5 नंबर का और एक हुआ 7.5 नंबर का, अर्थात पहला हुआ 7.1/2 मार्क्स का और दूसरा भी हुआ 7.1/2 मार्क्स का, तो इस तरह से ये 15 नंबर का हुआ। उसी प्रकार देखिए ये जो आपका वेक्टर एनालिसिस से ही आता है कर्ल वाले में से, डाइवर्जेंस और कर्ल वाला, तो यहाँ पे कहता है प्रूफ डैट कर्ल ऑफ फाई और वेक्टर ए इक्वल्स टू फाई कर्ल ऑफ, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ये जो आपका दिया गया है इसको आपको प्रूफ करना है। फिर है फाइंड डाइवर्जेंस वी, जो डाइवर्जेंस वी है एंड कर्ल वी, वेयर वी का मान आपको यहाँ पे दे दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आप देख सकते हैं ए का 2 है और बी का 1 ही है, तो डिफाइन रेसिप्रोकल वैक्टर्स, आपको जो है रेसिप्रोकल वैक्टर्स को डिफाइन करना है और प्रूफ करना है। ये आपका दिया गया है ए डैश, देखिए ए डैश जो है ये ए का रेसिप्रोकल वैक्टर है। फिर BB' C×C'=1 आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आप जब वेक्टर पढ़ेंगे, मैं बेसिकली बता दूँ, अगर मान लीजिए ए का रेसिप्रोकल A 1/A होगा तो इस दोनों का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा, तो इसी तरह से इसको आपको प्रूफ करना है। बाकी मैं प्रयास करूँगा कि इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूँ। दूसरा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स ऑफ A' B' C' जो कि रेसिप्रोकल वैक्टर है ABC का,
और इनटू एबीसी बराबर वन, ये भी आपको दिखाना है। वेयर एबीसी आर नॉन कोप्लानर वेक्टर्स, और यहाँ पे इसी का बी देख सकते हैं, फाइंड अ सेट ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल टू द सेट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पे ये दिया गया है, वेक्टर्स दे दिया गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, वेरीफाई गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से देखिए बराबर क्वेश्चन आता रहता है, फॉर द फंक्शन एफ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई आई प्लस जेड जे प्लस वाई जेड के ओवर द यूनिट क्यूब। तो यूनिट क्यूब के अंदर जो है आपको इसे जो है क्या कहते हैं वेरीफाई करना है। तो ये आपका वेक्टर एनालिसिस से क्वेश्चन है। बाकी मैं जो अदर क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए ये आपका डायनामिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये देखिए ये गति विज्ञान जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो डैट इट्स एक्सेलरेशन वेरीज एट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इन द स्ट्रेट लाइन एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, डिस्कस द मोशन। मोशन को आपको डिस्कस करना है, तो ये आपको आंसर देना है। फिर यहाँ पे अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद अ गिवन वेलोसिटी वी एंड मूव्स अंडर द रिटार्डेशन इक्वल टू के टाइम्स द स्पेस यहाँ पे डिस्क्राइब शो डैट द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज वी बाई रूट के, ये आपको शो करना है। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेट एंड एक्सप्लेन कैपलर्स लॉ फॉर सेंट्रल ऑर्बिट। तो इसको आप तैयारी कर ले, इसके आने की संभावना है। तो जो महत्वपूर्ण है मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे देखिए, फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ कंपाउंड पेंडुलम। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपका क्वेश्चन है, आप इसे जो है पॉज करके क्वेश्चन या तो लिख लीजिए, नहीं तो अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया हूँ, उस पर जाकर आप जुड़ जाइए और वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका PDF जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका डायनामिक्स था। फिर आप स्टैटिक्स से देख सकते हैं ऊपर में, ये देखिए ग्रुप ए का जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस। तो ये हो गया। इसके बाद और नीचे देख सकते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए जैसे बी है, द मिडल पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ जॉइंट क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय लाइट रड्स एंड लेंथ एल एंड एल डैश। इफ टी एंड टी डैश बी द टेंशंस इन दीज रड्स प्रूव डैट टी बाई एल प्लस टी डैश बाई एल डैश इक्वल्स टू जीरो। ये आपको प्रूफ करना है, तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन आता ही रहता है, और इसे भी देख लीजिएगा, एस्टैब्लिश द एनर्जी टेस्ट फॉर स्टेबिलिटी। देखिए इस सभी से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि आप वेक्टर एनालिसिस आसान होता है उसका तैयारी कर लीजिएगा, तो कम से कम नहीं कुछ तो 60 नंबर का क्वेश्चन जो चार क्वेश्चन आपके आएंगे वो तो आपका बन ही जाएगा। बाकी उसके अलावा आप इसे भी जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो बच्चा क्वेश्चन रहेगा वो इसे आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, डिफाइन कॉमन कैटेनरी एंड ऑप्टेन इट्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस एच एक्स वाई सी। तो ये 2016 में भी मे बी रिपीट किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी आप इसको पॉज करके जो भी क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो अप टू डेट चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में जिस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है उसे आप जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, या तो आप यूट्यूब पर सर्च करके डी कुमार प्रेजेंट्स SBN और वहाँ पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।